शमशेरा मूवी के ट्रेलर में लोगों ने ऐसा क्या देख लिया कि कर दिया बवाल। दो लोगों ने मिलकर जंगल को बना दिया जन्नत, मगर कैसे? और एक ऐसा ऐप जिससे आपका चोरी हुआ फोन वापस मिल सकता है, लेकिन कैसे? जंगल में रहने वाले लोगों के लिए यह धारणा होती है कि वह काफी असभ्य तरीके से रहते हैं, पर आज आप ऐसे इंसान के बारे में जानेंगे जो आपके इस धारणा को हमेशा के लिए बदल देगा। मिलिए कंबोडिया के जंगल में रहने वाले मिस्टर हियांग से। वे जंगल में रहने वाले बाकी लोगों की तरह नहीं रहते, उनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें जंगल में रहने वाले लोगों का तौर तरीके जंगल में लाइव की वीडियो डालते हैं। मिस्टर हियांग के चैनल पर शानदार आर्किटेक्चर देखने को मिलती है, जहां बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के शानदार आर्किटेक्चर बनाते हैं। इनके चैनल में 65 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। हाल ही में रणबीर कपूर की मूवी शमशेरा का ट्रेलर लॉन्च हुआ, जिसके तुरंत बाद से ही बॉयकॉट शमशेरा ट्रेंड करने लगा। पर ऐसा क्या है शमशेरा का ट्रेलर में? शमशेरा में संजय दत्त को विलन के रूप में दिखाया गया, जिसमें उन्होंने माथे पर त्रिकुण तिलक लगाया हुआ है, जिसे हिंदू धर्म में काफी पवित्र माना जाता है, और इसी चीज को देख के हिंदू लोग भड़क गए। उनका कहना है कि बॉलीवुड की फिल्मों में हिंदू धर्म को हमेशा गलत तरीके से दिखाया जाता है, ज्यादातर विलन को हिंदू धर्म का ही दिखाया जाता है, इसीलिए हिंदू धर्म के लोग इस फिल्म को बॉयकॉट कर रहे हैं। हमारे कीबोर्ड में जो इमोजी सेक्शन होता है, उसके रिसेंट टैब में जो पहले 3 इमोजी होते हैं, वह हमारे पिछले 2 दिनों का मूड बताते हैं। यह बताते हैं कि आपने अपने पिछले 2 दिन कैसे बिताए। ये 70% केस में बिल्कुल सही होता है। तो अभी आपके कीबोर्ड के 3 इमोजी क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। साइकोलॉजी के अनुसार क्या आप जानते हो, हर खूबसूरत लड़की को देखकर लड़के यह सोचते हैं कि काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती। क्या आप भी ऐसा सोचते हो, कमेंट में जरूर बताएं। अगर किसी का फोन चोरी हो जाता तो यह बहुत कम चांस है कि दोबारा वह फोन उसे मिले। पर एक ऐसा ऐप भी है जो अगर आपके फोन में हो तो आपका फोन चोरी होने के बाद आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ क्रू कैचर ऐप की। इस ऐप को अगर आपने अपने फोन में डाउनलोड किया और फोन चोरी होने के बाद अगर चोर ने 2 बार गलत पासवर्ड डाला तो फोन उसका फोटो ले लेता है, और फोटो और लोकेशन के साथ आपको ईमेल कर देता है, जिससे आप उस फोन को आसानी से लोकेट कर सकते हो। सो आई होप आपको आज के मजेदार फैक्ट्स पसंद आए हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।